हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में लेके आ गया हूँ आपको लेके हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे यूजरों को कॉपीराइट आ जाता है। तो ये कॉपीराइट क्लेम जो है, इसे इससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। पहली बात तो हमारा मोनेटाइज वीडियो नहीं होता है। सबसे फर्स्ट तो यही है कि अगर आप किसी का वीडियो, मतलब कि वीडियो यूज कर रहे हैं या सॉन्ग यूज करते हैं, तो आपको जो है वहाँ पर कॉपीराइट आ जाता है। तो उसे आपको रिमूव कैसे करना है, अगर सॉन्ग पे आया तो उसे तो मैं रिमूव करना दिखाऊंगा, लेकिन अगर आप किसी की वीडियो यूज करते हो तो ऐसा बिल्कुल मत करना। वीडियो किसी की यूज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वीडियो बहुत ही रेयर कंडीशन में आप वीडियो यूज कर सकते हैं, अगर आप किसी को ऐसा कुछ दिखा रहे हैं। सेकेंड, शॉर्ट पर कॉपी स्ट्राइक आ जाता है सॉन्ग के ऊपर, तो आप उसे जो है मोनिटाइज कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं आप जो है जिसका सॉन्ग है उसको ऐसे मेंशन, उसका और कैसे ओरिजिनल सॉन्ग को कनेक्ट करते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये दो वीडियो आपको दिख रहे होंगे, इसमें ओरिजिनल सॉन्ग डला हुआ है, इसमें जो है कॉपीराइट सॉन्ग है। तो कैसे इसे ऐसे ऐसे इसमें वो करना है, उसके बाद ये पेंडिंग में चला जाता है एड। उस अभी यहाँ पर जो है कॉपीराइट किस पर है, यहाँ पर सॉन्ग के ऊपर कॉपीराइट है, ठीक है। तो जब तक ये मोनिटाइज नहीं होगी, जब तक इसको सॉन्ग को हम जो है वो नहीं देते, मतलब सॉन्ग को हमें यहाँ पर जो परसेंटेज देना पड़ेगा, कुछ परसेंटेज सॉन्ग को चला जाएगा और कुछ परसेंटेज हमारे पास रह जाएगा जो रेवेन्यू है। तो या तो आप चाहे तो इसको सॉन्ग को आप हटा ही सकते हैं, नहीं तो आप जो है इससे वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपके चैनल पर या आपके चीज़ों पर, ठीक है। तो कॉपीराइट का यहाँ पर भी मैसेज आया हुआ है, लेकिन आपको जो है ये करने के लिए सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउजर में यूट्यूब सर्च कर लेना, उसके बाद अपने वाइट स्टूडियो खोल लेना, डेस्कटॉप मोड पे ही खोलना है, ठीक है। डेस्कटॉप साइड पे अगर आप इसे डेस्कटॉप साइड पे नहीं खोलेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरा पूरा ध्यान से वीडियो देखना। यहाँ पर अपनी वीडियो पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको जो है यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर अपनी वीडियो दिख जाएगी, जिस पर ये चीज़ें आपको दिख रही होंगी कि ये मोनेटाइज नहीं होगी, ठीक है। ये मोनेटाइज करने के लिए आपको जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है इसे एक बार आप अपनी वीडियो को खोल लेना, जिस पर भी कॉपीराइट है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर खोल लेंगे, खोलने के बाद आपको जो है इस पर यहाँ पर क्लिक कर देना है कॉपीराइट के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉपीराइट का जो ऑप्शन दिख रहा है, सी टाइप का सी लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको रेवेन्यू शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ये रे तो आप किसका सॉन्ग यूज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर वो कर सकते हैं कि भाई आप जो है यहाँ पर इस गाने को यूज कर रहे हो, तो इसमें जो है आपको बताएगा कि भाई किसका कॉपी है और किसका गाना है, पूरा पूरी वीडियो में गाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग में, यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में भी आ जाएगी कि भाई ये बोलेंगे कि भाई आपको यहाँ पर हेल्प में भी आपको बता देंगे कि भाई ये रेवेन्यू शेयर का ऑप्शन है, कि भाई आप यहाँ पर जो है वाइट मतलब कि आप क्रिएटर को आईडी को वो करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि भाई हम ये सॉन्ग यूज कर रहे हैं, उसके लिए आपको उसको मेल जाएगा और उसके बाद वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो एक बार हमें इसे पूरे प्रोसेस को एक बार आपको अच्छे से समझा देते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने वीडियो पर वापसी आना और यहाँ पर थ्री लाइन दिखेंगी, थ्री लाइन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाएंगे, म्यूट, ठीक है, आप यहाँ पर म्यूट भी कर सकते हैं गाने को, अगर आप म्यूट करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर गाने को चेंज, यानी कि सिर्फ गाने की वॉइस को, मतलब कि गाना यहाँ पर म्यूट हो जाएगा, या आप यहाँ पर किसी भी गाने से रिक्वायर मतलब कि वो कर सकते हैं, ये चीज़ें अगर आप चाहते हैं। वाइटी लाइब्रेरी से गाने कनेक्ट हो जाएंगे और उसमें से आपको ये ओरिजिनल गाना तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें सेकंड में आपको म्यूट कर सकते हैं। म्यूट में क्या होगा कि आपकी वीडियो म्यूट हो जाएगी, अगर आपके पास कोई भी ऐसी ओरिजिनल वॉइस थी वीडियो के अंदर तो वो सिर्फ वॉइस रह जाएगी, जो कि गाने में भी आ रही होगी तो वो आपको वहाँ पर वो दिख जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको इन तीनों पर, सॉरी, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको, यहाँ मैं आपको लिख जाएगा कि भाई यहाँ पर ओरिजिनल गाने को आप यूज कर रहे हैं और आप जो है यहाँ पर जो है पैसे देने के लिए भी रेडी हो, ठीक है। यहाँ पर
ये ऑप्शन दिख जाएंगे, आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना। तो यहाँ पर आपको ये भी दिख जाएगा लाइसेंस वाला कि भाई आई हैव प्रमोशन लाइसेंस, लेकिन नहीं, दिस इज क्लेम बाई माई और माई वीडियो इज माई ओरिजिनल, आई एम यूज द राइट ओनर। ठीक है, वीडियो का है ये तो हम यहाँ पे सबसे वाले पे ऊपर पे ही क्लिक कर देंगे कि भाई ओरिजिनल वीडियो है, और हम जो है आपको ऐसे, तो यहाँ पर आपको ये आ रहा है कि आपको यहाँ पर दोनों में से कोई से भी क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर दिस इज शॉर्ट वीडियो, नहीं ये शॉर्ट वीडियो नहीं है, ये वैसी है, ठीक है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा कि आप यहाँ पर इसे जो पब्लिक ही देख पाएंगे लोग, और यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा कि भाई आप इसे यहाँ पर कहाँ कहाँ पर यूज, मतलब उस तरह से आपको यहाँ पर दिख जाएगा रिकॉर्डिंग वगैरह, रिकॉर्डिंग वगैरह, रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको लिखने के लिए मिल जाएगा, अगर आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो, और यहाँ पर सबमिट पर यहाँ पर लिख देना। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि भाई मैं आपकी वीडियो यूज कर रहा हूँ और वगैरह वगैरह, और यहाँ पर आपको साइन भी करने पड़ेंगे अपने। तो यहाँ साइन होने के बाद आपको यहाँ पर हेल्प लिख लेना और यहाँ पर सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर वो क्लेम हो जाएगा, मतलब कि आपका जो वो है ना, उसके बाद क्लोज कर देना, और उसके बाद बैक आ जाओगे तो आपका इंस्टेंट के इंस्टेंट ये जो है ये वाला कॉपीराइट तो रहेगा, लेकिन वीडियो मोनिटाइज हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे वीडियो मोनिटाइज हो जाएगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी वीडियो यहाँ पर ऑन करेंगे तो आपके यहाँ पर वीडियो जो है मोनिटाइज पे चली जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पर वाइट स्टूडियो में भी दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आप लोगों को अपनी वीडियो मोनिटाइज करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो गाइज आप यहाँ पर देखेंगे तो आपकी मेरी वीडियो जो है मोनिटाइज के लिए देख सकते हो, मोनिटाइज जो है ऑन हो गया है, वो रेड नहीं दिखता है। अब मेरी वीडियो जो है सीधी सीधी मोनिटाइज हो जाएगी, इसमें अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अभी आप देख लीजिए, और सुबह को मैं इसे पब्लिक भी कर दूंगा। गाना मैंने यूज़ किया है, ओरिजिनल गाना यूज किया है, और उसको कुछ परसेंटेज शेयर जाएंगे, जैसे कि अगर मेरे 1,000 व्यूज आते हैं तो हो सकता है कि उसे 25% जाएगा, और जो बाकी का जो 70% रहेगा वो मेरे, मतलब 75% जो होगा वो मेरे पास आएगा। तो ये चेक इन में चला गया है, अब मेरी वीडियो जो मोनेटाइज हो जाएगी। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ बताना जरूर। थैंक यू सो मच वॉचिंग, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और बाय बाय गाइस, जय हिंद जय भारत।